हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम सुबह सुबह आ गए हैं श्वेता मोटर्स करुणाकर जी वाला। आज हम हमारे पजेरो स्पोर्ट पे एक ऐसा एक्सेसरी लगवा रहे हैं जो एक्चुअली जो मेरे दिमाग में मतलब काफ़ी दिनों से था। दिस एक्सेसरी समथिंग वेरी क्लोज टू माय हार्ट एंड आई ऑलवेज वांटेड टू हैव दिस एक्सेसरी इन वन ऑफ माय कार्स। और जब से पजेरो ख़रीदी है मैंने, तब से मेरा ये आइडिया था कि मतलब ये एक्सेसरीज में लगवाना ही लगवाना है, क्योंकि दिस इज़ नॉट ओनली यू नो हेल्पफुल फॉर द एसयूवी इन ऑफ रोडिंग, बट ऑल्सो इम्प्रूव्स द यू नो एस्थेटिक लुक ऑफ द एसयूवी इन एडिशन टू इम्प्रूविंग द इंजन परफॉर्मेंस। हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं ये अपने स्नॉर्कल की बात कर रहे हैं। तो फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो व्हाट इज़ अ स्नॉर्कल, स्नॉर्कल इज समथिंग दैट इज़ यूज बाई स्कूबा डाइवर्स। एक्चुअली जब वो शैलो वाटर्स में स्कूबा डाइविंग करते हैं तो एक स्नॉर्कल से अपना वो मतलब एयर ब्रीथ करते हैं। इट्स अ वेरी सिमिलर कॉन्सेप्ट दैट यू एक्चुअली सी इन आवर यू नो एसयूवीज, जहाँ पे हम ये करते हैं कि मतलब एक स्नॉर्कल लगा के इंजन को जो एयर इनलेट आता है वो इनलेट को हम इंस्टेड ऑफ टेकिंग द एयर फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द यू नो ग्रिल, हम क्या करते हैं हम एक स्नॉर्कल लगा के ऊपर से ले लेते हैं, जिसकी वजह से एक्चुअली आपका एयर इनफ्लो का फ्लो काफ़ी नीट हो जाता है। द काइंड ऑफ क्वालिटी ऑफ एयर दैट द इंजन गेट्स इम्प्रूव्स। इन एडिशन टू दैट इट ऑल्सो इंक्रीजेस योर वाटर वेडिंग कैपेसिटी, क्योंकि अगर आप नॉर्मली जैसे अभी अपनी पजेरो स्पोर्ट है इसका ऑलमोस्ट लाइक 700 mm का इसका अपना वाटर वेडिंग कैपेसिटी है, विच इज़ वेरी हाई। बट एट द सेम टाइम व्हाट हैपेंस इज़ अगर गलती से अगर आप ऐसी जगह फंस गए हैं जहाँ पे पानी काफ़ी ज़्यादा है, इन दैट केस ऑल्सो अगर आपके पास स्नॉर्कल है आपकी गाड़ी में फिटेड, तो इन दैट केस व्हाट हैपेंस इज़ आपको एयर जो आपको इंजन को पास होता है वो आता है ऑलमोस्ट रूफ से, मतलब एसयूवी के रूफ से आता है, ऑलमोस्ट लाइक 6 to 7 feet के ऊपर से आता है। तो द चांसेस ऑफ योर यू नो एसयूवी गेटिंग स्टॉल्ड बिकॉज इट हैज़ बीन वाटर लॉग्ड विल बिकम लाइक नेग्लिजिबल। सो इन एडिशन टू दैट, क्योंकि आपका एयर उतने ऊपर से आता है तो इट गेट्स यू प्योरर एयर विच इज़ लेस कंटेमिनेटेड, क्योंकि अपना जनरली जो ग्राउंड लेवल का जो एयर होता है वो काफ़ी कंटेमिनेटेड होता है। तो ये क्योंकि आपका एयर 5 to 7 feet ऊपर से आ रहा है, तो ये एयर इज़ मच मोर प्योरर, सो दैट हेल्प्स द इंजन टू परफॉर्म बेटर। इन एडिशन टू दैट इट ऑल्सो हेल्प्स यू इम्प्रूव योर माइलेज अ लिटिल बिट। सो दिस आर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग अ स्नॉर्कल इन योर एसयूवी। तो आई गॉट लकी, एक्चुअली आई फाउंड अ स्नॉर्कल दैट फिट्स द पजेरो स्पोर्ट विच हैज़ बीन मैन्युफैक्चर्ड फॉर द पजेरो स्पोर्ट। ये ट्राइटन जो अपनी मित्सुबिशी कंपनी का उसका ही है। हम आज श्रद्धा मोटर्स आ गया हूँ मैं, और इनफैक्ट कल मैं रात को यहाँ पे गाड़ी छोड़ दिया था इनके पास में, क्योंकि माइनर छोटे छोटे और थोड़े से मतलब काम और थे बिफोर वी स्टार्ट ऑन आवर यू नो लॉन्ग ड्राइव, अपकमिंग लॉन्ग ड्राइव, जिसके बारे में मैं आपको फिर शेयर करूँगा वेरी शॉर्टली, एंड आई विल यू नो टेक यू अलॉन्ग विथ मी टू ऑल द प्लेसेज दैट वी गो थ्रू। सो साथ में बने रहिए, आई विल शो यू हाउ द स्नॉर्कल इज बीइंग फिटेड इनटू आवर पजेरो स्पोर्ट। सो दिस इज हाउ आवर पजेरो स्पोर्ट इज लुकिंग बिफोर वी इंस्टॉल द स्नॉर्कल ऑन इट। दिस इज अ बिफोर वीडियो एंड वंस द स्नॉर्कल इज इंस्टॉल्ड एंड देन वी विल सी हाउ द लुक इज चेंज्ड। जो आप देख रहे हैं ये एयर फ्लो यूनिट जो है ये नया लगाया हुआ है, ये वाला, ये आपको दिखाता हूँ, ये एयर फ्लो यूनिट ये पहले नहीं था, ये अपने यहाँ पे रहा करता था, इस साइड में इस एरिया में रहा करता था। उसको निकाल के जब हमने अपना नया स्नॉर्कल लगाया तो उन्होंने एयर फ्लो इनलेट यहाँ से बनाया और यहाँ पर सील किया है इसको, आप देख सकते हैं, और यहाँ से ये कनेक्ट होता है अपने स्नॉर्कल को। ये हमारी बीस्ट पजेरो स्पोर्ट खड़ी है गोवा के फर्स्ट होटल में, जहाँ पे हम रुक के हमने लंच किया है वहाँ पे। ये हमारा बीस्ट खड़ा हुआ है यहाँ पे, जस्ट लुक एट द स्टैंड्स। और ये जो नया स्नॉर्कल जो मैंने लगवाया था दैट इज़ एक्चुअली एनहैंसिंग द व्यू द लुक ऑफ द पजेरो स्पोर्ट इन सच ए ग्रेट वे, आई कांट टेल यू। एंड रास्ते भर में आई एक्चुअली केप्ट गेटिंग लुक्स फ्रॉम पीपल,